اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਉਨਿਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਫਜ਼ ਹਦੀਸ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਹੈ जेदा माना बात और खबर है। और एदा इस्तिलाही माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जबान चो निकलने वाली बात और आप दी खबर। बुनियादी तौर ते हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां चार किस्मां हैं। कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस और कुदसी हदीस। कौली हदीस यानी जो अल्लाह दे नबी जुबान जो इरशाद फरमान। फेली हदीस जो आप कम करन। तकरीरी हदीस आप दे सामने को कम कीता जाए, आप उदे ते खामोशी इख्तियार फरमान। कुदसी हदीस जदो आप इंज कहन के मैं अल्लाह पाक तो रवायत करना। सनद के एतबार नाल हदीस दियाँ कई अकसाम ने, मोटियां मोटियां तीन किस्मां। नंबर एक सही सनद वाली हदीस। अमूमन तुहाडे सामने जदों कोई मुकर्रर कोई आलिम कोई खतीब बयान करदा है उस सिर्फ हदीस करदा है, जबकि हदीस दे पिछे एक सनद हुंदी। सनद दे इतबार नल कई किस्मां ने, मोटियां तीन ने। नंबर एक सही,
यानी ऐसी हदीस के जिदी सनद अंदर सारे रावी आदिल होन, सारे रावियां दा हाफजा मजबूत होए। नंबर दो, हसन सनद वाली हदीस, यानी जिद अंदर रावी जड़े हदीस देने उन्हें जो किसे रावी दा थोड़ा जा हाफजा कमजोर होए। नंबर तीन, ज़ईफ सनद वाली, यानी जिदे रावी मजहूल होन और सनद कमजोर होए। हदीस दिया तीन किस्म ने, कदी इंज हों कि बयान करने वाला कहता है मैं फलां तो सुनी, फलां ने फलां तो सुनी, फलां ने फलां तो सुनी, तो फलां ने फलां सहाबी तो, फलां सहाबी ने अल्लाह के नबी तो। यानी बयान करने वाला नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम तक जाए, ऐसी हदीस नू मरफू हदीस कहे। और जदों बयान करने वाला सिर्फ ताबी तक जाए, मैं फलां तो सुनी, फलां ने फलां तो सुनी, फलां ने फलां तो सुनी, फलां ने फलां सहाबी तो सुनी, बस नबी पाक तक ना जाए, इनू कहिंदे ने मौकूफ हदीस। तीसरी है मकतू हदीस, बयान करने वाला कहे मैं फलां तो सुनी, फलां ने फलां तो सुनी, फलां ने फलां, फलां ने फलां ताबी तो सुनी, ना सहाबी का जिक्र ना नबी पाक का जिक्र, इनू कहिंदे ने मकतू हदीस। ये मोटिया मोटिया गल्ला मैं तुहानू तां समझांदा पिया कि हुण कई बंदे कहिंदे ने लो जी इन्हां दे सामने हदीसां बयान करन दा की फायदा, इन्हां नू की पता भी हदीस ज़ईफ की हुंदी है, हदीस सही की हुंदी है। ते मैं चाहना कि मैं तुहानू अज दस जावां, ते अज दा जुमा हुक्म मनो ते हुक्म पिया करना, अर्ज मनो ते अर्ज पिया करना कि यह पूरा जुमा तुसी दो वरी दोबारा सुनना है, ताकि तुहानू नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की हदीस का मुकम्मल तारफ हो जाए, और दुनिया के किसी कोने ते बह के तुसी कह सको भाई मैनू हदीस का पता है, क्योंकि मैं जुमा मस्जिद आयशा च पढ़ के आया। क्योंकि फितना बड़ा आम हो रहा है, हदीस का इनकार करने वाले डायरेक्ट इनकार तो कर नहीं सकते, उन्होंने पता है भी मार पैगी, वो फिर इनडायरैक्ट इनकार कर दे तरह तरह दियां गल्लां बना के, मोटे मोटे पांच इतराज कर दे। पहला, लो जी हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं। नंबर दो, लो जी कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने चुकया, हदीस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने चुकया ही नहीं, तो फिर हदीस से अमल का तो करिए। नंबर तीन, लो जी हदीस से नबी पाक के दौर च लिखी नहीं गई है, 300 साल बाद लिखी गई। नंबर चार, लो जी हदीस जे लभ भी लवे तो आम बंदे नूं पता नहीं लगता है सही है कि ज़ईफ है, उहदे नाल बेहतर है कुरान ते अमल करो, कुरान के अंदर ना हदीस का ना सही का रौला ना ज़ईफ का रौला। नंबर पांच, बहुत सारिया यह जी ऐसिया हदीसा ने जिहड़ियां कुरान दी आयात नाल टकरांदियां ने। ए पांच इतराद ऐसे ने कि जिहड़े सीधे बंदे अगे कर दईए ना, तो सीधा बंदा वाकियातन हदीस छड जाएगा, क्योंकि गल्लां सारियां अकल विच आउंदियां ने, लेकिन इन्हां गल्लां दे जाल विच ओह बंदा फस सकदा है जिहनूं पता ना होए। तो अज तुसी इंशाअल्लाह तवज्जो नाल जुमा पढ़ के जाओगे, तो तुसी इन्हां दे जाल च अल्लाह दे फजल नाल नहीं आन लगे। इस वास्ते जरा पूरी तवज्जो नाल सुनना है। सब तो पहले इतराज का जवाब, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। ऐ जड़ा कुरान है ना, जड़ा तुसी कहिंदे हो साडे लई काफ़ी है, ये कुरान ही तो हदीस दे अमल करन दा हुक्म दिंदा है। ए कुरान ही हदीस से अमल करन दा हुक्म दिंदा है। किथे दिता है सुनना दरा तवज्जो करना। मेरे गौर तुसां दे पीरों मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नादन होण वाला
अल्लाह दा कुरान बयान करदा है सूरा अन्निसा आयत नंबर 80। अल्लाह फरमाते ने वमैयुते रसूल फकद अता अल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो जिन्हें रसूल दी इताअत कीती उन्हें अल्लाह दी इताअत कीती। इताअत दा माना की गे? इताअत दा माना गल मनना। लिहाजा माना इंज बन गया वमैयुते रसूला फकद अता अल्लाह। जिन्हें रसूल दी गल मनी उन्हें अल्लाह दी गल मनी। अल्लाह 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 दी गल की ये अल्लाह दी गल कुरान। मेरे नबी दी गल की ये मेरे नबी दी गल हदीस है। पता लगा जड़ा हदीस मनदा है वो भी अल्लाह दी गल मनदा है। अल्लाह पाक दे कुरान ने खुद हदीस ते अमल करन दा हुक्म दिता। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सूरा आले इमरान आयत नंबर 31। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो ए मेरे महबूब पैगंबर ऐलान करके कह दो कुल कह दीजिए। कुल माना किए? कुल माना किए? कह दीजिए। मता को बंदा समझे कुल जिद नाल टंकी फुल हुंदी है ओ कुल नहीं कुल कह दीजिए। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह अगर तुसी अल्लाह पाक नाल मोहब्बत करना चाहते हो। चाहते हो कि नहीं चाहते? अल्लाह पाक नल मोहब्बत करना चाहते हो फिर की करो? फत्तबिउनी फिर मैं मोहम्मद दी पैर भी करो इत्तबा करो। अल्लाह अल्लाह इत्तबा दा माना हुंदा है कदम बा कदम चलना, कदम उत्ते कदम रख के चलना। अल्लाह 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 उत्थे कौली हदीस दा सबूत आ गया, इत्थे फेली हदीस दा सबूत आ गया। फरमाया अगर अल्लाह पाक नाल मोहब्बत करना चाहते हो फिर तुहानू मेरे कदम बा कदम ते चलना पैगा, फिर तुहानू मेरे मगर लगना पैगा, फिर तुहानू मेरी सुन्नत ते अमल करना पैगा। भाई जान है कुरान खुद हदीस ते अमल करन दा हुक्म पिया दिंदा है। तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खाल के कायनात दा कुरान है। ये भी सूरा निसा आयत नंबर 115। अल्लाह फरमाते ने वमैयु शाके के रसूल मिम बादी मा तबयन लगुल हुदा वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। अल्लाह 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 पर मैं जिस बंदे ने मेरे नबी दी मुखालफत मैयू शाह के किर रसूल जिन्हें रसूल दी मुखालफत की थी, जिन्हें अल्लाह दे नबी दी मुखालफत की थी, जिन्हें मेरे पैगंबर दी गल दी मुखालफत की थी, जिन्हें मेरे पैगंबर दे फैसले दी मुखालफत की थी, जिन्हें मेरे पैगंबर दी अधीन दी मुखालफत की थी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हिदायत नल गल बात हो जान तो बाद वयत्ता पे गैरा सबील मोमिनीन मोमना दे रस्ते नू छाड़ के और रस्ते ते चल जाए। पर माया नू वल्ले ही माता वल्ला असी डोरा टिलिया कर देने आओ, असी डोरा फराक कर देने आओ। ले भी लगा फिर किथे फिरना है? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तो जो डोर नू खिच मारनी है वह नुसले ही जहन्नम सीधा जहन्नम विच सुट देना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा और मुकाम अल्लाह दे कुरान दाओ
सूरह अन्नूर सुनिए आयत नंबर 63। अल्लाह फरमाते ने फल या हजारिल्लजीना युखालिफूना अन अमरिही, फरमाया जड़े बंदे मुखालफत करते ने उन्हां दे हुक्म दी। ही दी जमीर किधर जा रही है? ही दी जमीर मेरे पैगंबर वल जा रही है। उन्हां लोगों नूं डर जाना चाहिदा है, खबरदार हो जाना चाहिदा है, मुतनबे हो जाना चाहिदा है, अलर्ट हो जाना चाहिदा है। क्यों? अंतुसी बाखुम फितना, फितने विच मुबतला हो जाणगे। औयुसी बाखुम अदाब न अलीम, या इन्हां ते को बड़ा वड्डा अल्लाह दी तरफों अदाब आ जाएगा। कुरान पाक दियां चार आयतां दे अंदर सिर्फ रसूल दा हुक्म मनन दा हुक्म दिता गया है। रसूल दी ना फरमानी तो अज़ाब दी वईद कीती गई है। ना अल्लाह 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 और पंजवां मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा। सूरह नजम अंदर फरमाया फरमाया बन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा अल्लमहु शदीदुल कुआ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने वमा यंत गुआ नीला हवा, मेरा नबी अपनी मर्जी नाल बोलदा नहीं बोलदा। कदों बोलदा? इनु हुवा इल्ला वाहयुहा, उदों बोलदा जदों मेरे पैगंबर नूं रब बुलांदा है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा, गौर करदे जाना दरा। ओ जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदो नबी बोलिया। एक हरफ भी कोलो नहीं कदी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदो नबी बोलिया। अपनी मर्जी नाल ना बोले, ओ जद भी बोले मोती रोले, ओ जद भी बोले मोती रोले। बिना वही दे नहीं सोना कदी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदो नबी बोलिया। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है, ते जो कमली वाला बोल देवे ओदे ते अमल करना ओनू मनना इंज है जिवें तुसी अल्लाह दी गल नू मन लिया। भाई जान, जिस कुरान नू तुसी काफी मनदे हो ओ कुरान ही ते हदीस ते अमल करन दा हुक्म दिंदा है। नाले कल्ले कुरान नाल मसला हल नहीं हो सकदा, जिन्नी देर तक हदीसे रसूल नू मिलाया ना जाए। असी ते जनाब अजमी लोग हाँ, असी ते अरबी जानते नहीं, साडे अबाओ अजदाद अरबी तो वाकफ नहीं, अगो उन्हां दी अबाओ अजदाद अरबी तो वाकफ नहीं। असी पंजाब दे रहण वाले, साडे अबाओ अजदाद इत्थों दे रहण वाले, असी ते अरबी सिखीए, अरबी ग्रैमर सिखीए, तां जाके सानू समझ आईए। ओ जिन्ना जिन्ना जिहड़े आप अरबी सन, जिन्ना दी अबाओ अजदाद अरबी सन, उन्हां नूं भी कुरान उन्नी देर तक समझ नहीं सी आंदा जिन्नी देर तक हदीसे रसूल नूं मिलाया नहीं सकदा। सही अल बुखारी विच रवायत आंदी है, सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा ते जी वकार गौर करदे जाना दारा। हजरत अली ने कुरान पाक दी इस आयत नूं पढ़िया, हत्ता यता बयाना लकुमुल खैतुल अबियदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। रात खांदे रहो, रमजान अंदर खांदे रहो ते पींदे रहो, कदों तक? जदों तक काला धागा जनाब खत्म हो जाए,
ते सफेद धागा जड़ा नजरां लग जाए। हजरत अदी ने की कीता, दो धागे लै लै ते अपनी जनाब अपने सराहने दे थले रख लै। खाधी जांदे ने, पीती जांदे ने, धागियां नूं वेखी जांदे ने, हजे ते खैर सलै, हजे ते जहर नहीं हो रहा, हजे ते पता ही लगता पिया काला किड़ा है चिट्टा किड़ा है। बड़ी देर तक खांदे रहे। अल्लाह जदों वाहवा दिन चढ़िया उदों ही लगना सी ना पता, लाइटां दा तां इंतजाम नहीं सी ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आए, अर्ज करदे ने महबूब मैं दो धागे ज करके अपने तकिए दे थले रख लै, काला ते सफेद, वेखदा रहा वा ते खांदा रहा वा। ते मेरे आका मुस्कुरा के फरमांदे ने अदी ओ तेरा सराहना एडा वड्डा है, ओदे थले रात भी आ गई ते दिन भी आ गया है। ये एडा वड्डा तकिया कित्थों लिया जिहदे थले सारा दिन ते सारी रात लुकी रही। अल्लाह अल्लाह सुनिया की माना। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक मिसाल दे के समझाना चाहते ने, लेकिन ये तुमराद धागा नहीं, ये तुमराद रात की स्याही का जाना है, सुबह की सफेदी का आना है। जो तलुए फजर हुंदा है, फजर की अदाम का वक्त हुंदा है, उदो थोड़ी जी रोशनी जनाब नजर आती है, ये तो मुराद है। हजरत अली वकार, हजरत अली अरबी सन, उन्होंने वालिद भी अरबी सन, अल्लाह दे नबी दे कोल बैण वाले सन, एक कुरान दी आयत भी नबी पाक कोल सुन के गया सन। लेकिन उन्नी देर तक समझ नहीं आई जिन्नी देर तक मेरे पैगंबर ने हदीस नहीं सुनाई, मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान तो तशरीह नहीं करके सुनाई। लिहाजा पता लगा कुरान भी बरहक है, मेरे नबी का फरमान भी बरहक है। कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, मेरे नबी का फरमान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। कुरान भी दीन है, मेरे नबी का फरमान भी दीन है। कुरान भी मनन वाली शय आ, मेरे नबी का फरमान भी मनन वाली शय आ। जड़ा बंदा कल्ले कुरान नूं मंदा है वो कदी दीन ते अमल नहीं कर सकता। लिहाजा कुरान ते हदीस नूं मिला के जड़ा बंदा इन्हां दोवां ते अमल करेगा, उस बंदे का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा है पहला इतराज, हुण दूसरा। गल बड़ी लम्मी है ते मैं चाहना, मैं जब गल समझ आ रही तुहानू कि नहीं आ रही, मैं चाहना तुहानू एक गल समझ आए। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा ते जीवकार, गौर करदे जाना जरा। दूसरी गल लो जी, अल्लाह पाक ने ते सिर्फ कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, हदीस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया ही नहीं। वाह भाई वाह, बड़ी गल। अच्छा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा जिस है च लिया, वो है तुहानू आउंदी आउंदी होनी, किसे नू आउंदी होवे, पढ़े हथौड़ी जी, किसे नू आउंदी है? क्यों भाई? हाँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। अल्लाह पाक ने जिथे कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया, उत्थे अल्लाह पाक ने लफ्ज़े कुरान बोलिया ही नहीं। मैं तां ही तुहाडे कोल पढ़ाई। अल्लाह फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को नादल किया और जिक्र की हिफाजत का जिम्मा लिया। कुरान दा नाम नहीं लिया, अल्लाह पाक ने जिक्र दा नाम लिया। ते जिक्र किनू कहिंदे ने? 21वां पारा पढ़िए। फरमाया उतलू मा ओहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सला इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर। फरमाया कायनात दे लोगो, नमाज अल्लाह दा सब तो वड्डा जिक्र है, नमाज अल्लाह दा सब तो वड्डा जिक्र है। ते जिक्र दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने लिया है, ते नमाज सब तो वड्डा जिक्र हो गया। आओ हुण जरा नमाज वेखिए, अल्लाह अकबर तो नमाज शुरू हो गई। सुभान अल्लाह किथे वे कुरान पाक अंदर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी किथे वे कुरान पाक अंदर, अलहमद शरीफ कुरान पाक अंदर, नाल को सूरत मिलाली कुरान पाक अंदर, अल्लाह अकबर कह के रुकू गया किथे वे कुरान पाक अंदर, सुभान रब्बिया लजीम किथे वे कुरान पाक अंदर, सामी अल्लाह कुल मन हामिदा किथे वे कुरान पाक अंदर, अल्लाह अकबर कह के सजदे च टुर गया सुभान रब्बिया लाला किथे वे कुरान पाक अंदर। दो सजदियां दे दरमियान दी दुआ गई, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहम
सामनी वज बुरनी किथे वे कुराने पाक अंदर तशहुद अंदर बैठ गया अत्तहियातु लिल्लाह के वसलावात किथे वे कुराने पाक अंदर दुरूद शरीफ किथे वे कुराने पाक अंदर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा किथे वे कुराने पाक अंदर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र किथे वे कुराने पाक अंदर हज़रात जी वकार एक फातिहा एक नार सूरत इन्ना दोवां तो इलावा सारी दी सारी नमाज हदीस अंदर सारी दी सारी नमाज दा जिक्र मेरे पैगंबर दी जुबान अंदर मेरे पैगंबर दी हदीस अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र दा जिम्मा चुकी है ते अल्लाह ने सब तो वड्डा जिक्र नमाज नु आखी है ते नमाज अंदर ना कुरान नहीं जिन्नी मेरे पैगंबर दी हदीस है लिहाजा मनना पैगा कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी रब ने लिया है हदीस की हिफाजत का जिम्मा भी रब ने लिया है जिक्र आखिया जिक्र वाला जिक्रुल्लाह अकबर नमाज सबसे बड़ा जिक्र है लिहाजा साबित हुआ अल्लाह ने कुरान का नहीं बल्कि कुरान और हदीस की हिफाजत का जिम्मा लिया अल्लाह अल्लाह हर कीती है हिफाजत ए नहीं के गल्ला सिर्फ कहण दी हद तक जिवें अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी हिफाजत फरमाई एवें अल्लाह पाक ने हदीस दी भी हिफाजत फरमाई आसमान तो कुरान आया मेरे पैगंबर दे सीने ते मेरे पैगंबर ने सहाबा नूं दसिया सहाबा ने ताबई नसियाओ ताबई ने तबा ताबई नसियाओ तबा ताबई ने मुहद्दिसी दसियाओ मुहद्दिसी ने मुजतहिदी दसियाओ मुजतहिदी ने अइमा कराम दसियाओ एवें सिलसिला चलता चलता मेरे तेरे तक पहुँचया एवें ही हदीस आई है मैनू समझ नहीं आती उस जबान चो कुरान निकलता है उस जबान चो हदीस निकलती है कुरान मानता है हदीस नहीं मानता एक जबान चो निकल वालिया दो गल्ला ने एक गल मानता है दूजी नहीं मानता एक रस्ते तो आन वालिया दो चीजा ने एक चीज मानता है दूसरी नहीं मानता हज़रात दे जीवकार ओ कुरान भी सहाबा दे राही आया ते हदीस भी कुरान की हिफाजत अल्लाह पाक ने जिन्ना दे रामा लई है ना अल्लाह ने उन्हां दी जुबान चो ते हदीस कलवाई है एक शह मननी दूसरी ना मननी है क्या है अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल हिफाजत दाओ पूरा पूरा जिम्मा उठाया है सही बुखारी की पहली हदीस पढ़ी है फरमाया इन्नमल्ला अमालु बिन्नियात अमाल का दारुमदार नियतों पर है ये सही बुखारी की हदीस है इस बुखारी इस हदीस नु रवायत करने वाले सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हजरत उमर ने यह हदीस जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नुकड़ो ये हदीस सुनिए हजरत अलकमा बिन वकास ने हजरत अलकमा बिन वकास कोणो ये हदीस सुनिए मोहम्मद बिन इब्राहिम ने मोहम्मद बिन इब्राहिम कोणो ये हदीस सुनिए यहया बिन सईद ने यहया बिन सईद कोणो ये हदीस सुनिए जनाबे सुफियान ने जनाबे सुफियान कोणो ये हदीस सुनिए इमामे हुमैदी ने इमामे हुमैदी ने हदीस सुनिए हजरत इमामे बुखारी कोणो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह तक अगे चलिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने यह हदीस सुनिए मोहम्मद बिन यूसुफ कोणो मोहम्मद बिन यूसुफ ने यह हदीस सुनिए अब्दुल्ला बिन अहमद कोणो अब्दुल्ला बिन अहमद ने यह हदीस सुनिए अल्लाह अकबर अब्दुर्रहमान बिन मुजफ्फर कोणो अब्दुर्रहमान बिन मुजफ्फर ने यह हदीस सुनिए सिराजुल हुसैन अल्लाह अकबर अल्लाह अब्दुल अव्वल बिन ईसा कोणो अब्दुल अव्वल बिन ईसा ने यह हदीस सुनिए हजरत सिराजुल हुसैन इब्नुल मुबारक कोणो सिराजुल हुसैन इब्नुल मुबारक ने यह हदीस सुनिए अबी अब्बास अल्लाह अल्लाह हजरत अहमद बिन अबी तालब दे कोणो अहमद बिन अबी तालब ने यह हदीस सुनिए मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अहमद कोणो इब्राहिम बिन अहमद ने यह हदीस सुनिए शहाबुद्दीन अहमद बिन अली हाफिज़ इब्ने हजर अल
अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह अल्लाह हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने यह हदीस सुनी है अहमद बिन ज़करिया को अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावाओ। तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। अहमद बिन ज़करिया ने यह हदीस सुनी हजरत शमसुद्दीन को हजरत शमसुद्दीन ने हदीस सुनी है अल्लाह अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस को अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस ने हदीस सुनी है इमाम अहमद अल कशाशी को इमाम अहमद अल कशाशी ने हदीस सुनी है मोहम्मद अल कुरादी इब्राहिम अल कुरादी को इब्राहिम अल कुरादी ने हदीस सुनी है मोहम्मद बिन इब्राहिम अल कुरादी को हजरत इमाम मोहम्मद बिन इब्राहिम अल कुरादी ने हदीस सुनी है अपने वालिद शेख वलीउल्लाह शेख वलीउल्लाह शेख इब्न अब्दुल रहीम को अल्लाह अल्लाह उन्होंने हदीस सुनी है शाह अब्दुल अजीज दहलवी को शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने हदीस सुनी है हजरत सैयद नजीर हुसैन दहलवी को अल्लाह 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 उन्होंने सुनी है शाह इसहाक को शाह इसहाक ने सुनी है सैयद नजीर हुसैन दहलवी को सैयद नजीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को यह हदीस सुनी है हजरत अब्दुल मन्नान वजीराबादी अल्लाह 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 हजरत वजीराबादी जनाब हजरत इमाम जनाब अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस सुनी है हजरत जनाब मोहम्मद बिन गौंद मोहम्मद गौंदली ने अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मन्नान वजीराबादी ने कोलो यह हदीस जनाब उन्होंने शिगिर्द बने हजरत हाफिज मोहम्मद गौंदलवी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज मोहम्मद गौंदलवी रहमतुल्लाह अलैह दे शिगिर्द बने हजरत इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला बुढ़ी मालवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अब्दुल्ला बुढ़ी मालवी रहमतुल्लाह अलैह दे शिगिर्द बने हजरत इसहाक अल हुसैन भी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अल इसहाक अल हुसैन भी दे शिगिर्द मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल अलीम यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह दे वड्डे भाई हजरत मौलाना अब्दुल हलीम अशर रहमतुल्लाह अलैह और उन्हां दा शिगिर्द बनिया मैं मेरे को सुनी तुसी अल्लाह दे फदलो करम दे नाल ए उसी ओ दीन लै के बैठे हाँ जिस दीन दा एक सिरा मस्जिद ऐशा विच बैठण वाले इन्ना मुक्त दीना दे हाथ विच ते दूसरा सिरा मोहम्मद रसूलुल्लाह दे हाथ विच कौन कहता है कि हदीस का जिम्मा रब ने नहीं लिया ये खड़ा है हदीस का खालिक अल्लाह दे फजल नाल इत्थों लग के कमली वाले तक एक पूरी सना दे और मैं बतौरे दलील लेके आया मेरे को मौजूद है अल्लाह दे फजल नाल और ये अपनी तरफ से नहीं ये मेरे उस्तादों ने मुझे दी सनद बेटा ले जाओ साडे उस्तादा ने बकायदा लिख के छपवा के इजाजत दे के सानू दीती पुत्र सनद ले लोगों नू दस के तेरी सनद कली तेरे तक नहीं जाती तेरे तो मेरे तक जाती है मेरे तो मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जा कौन कहिंदा कि हदीस दा जिम्मा रब ने नहीं चुकया अल्लाह अल्लाह जिन्ना सीनिया च रब ने कुरान महफूज किया है उन्ना सीनिया च रब ने हदीस भी महफूज की अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ मेरे नबी दी एक एक गल मेरे नबी दा एक एक बोल गारंटी वाला ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल दे कन्ना विच रस नू है गोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है मन या ना मन मेरी हो मजबूरी है आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है मन या ना मन मेरी हो मजबूरी है मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल तेरे कन्ना विच रस नू है गोल सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है जग लई दलील बुरहान बन
जांदा है। आका जदों बोले कुरान बन जांदा है, जग लई दलील बुरहान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू खोल, जाके रब दे कुरान नू तू खोल। और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, बदे दे कन्ना विच रस नू है कोल। अल्लाह 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 खाल के कायनात दा कुरान सुनिए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नजमि इज़ा हवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयू युहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा, فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان كاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى अल्लाहू अकबर। अल्लाह गलत फहमियां चो निकल जाओ, अपने दिल विच गलत फहमी नूं जगह नहीं देनी। और जिहड़ा अज तो बाद तुहानूं हदीस दे बारे गल करे, उहनूं कहणा मूँह मठा कर, मैं ऐशा मस्जिद जुमा पढ़ के आया अल्लाह दे पास। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा, और किसी उत्ते चाल चलेगी मस्जिद ऐशा वे जुमा पढ़न वाले। इन्ना अल्लाह दे नबी दी उम्मतियां ते किसे अमन करे हदीस दी चाल नहीं चलन वाली। अगे तवज्जो कीजिए, दूसरे इतराज दा भी जवाब हो गया। तुम कहते हो कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, मैं कहता हूँ जिक्र की हिफाजत का जिम्मा लिया। जिक्र कुरान भी है, जिक्र हदीस भी है, और मैंने साबित किया कि अल्लाह ने कुरान को कैसे महफूज किया है और हदीस को कैसे महफूज किया है। आगे चलिए, समझ भी आ रही है कोई ना? क्यों भाई, कई बंदे तो आज सेर ही सुट्टी पहने। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा, तेजी वकार कौर करते जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना, अल्लाह 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 जानता है। मैं कभी ये नहीं सोचा कि इस मिंबर ते खलो के जुमा पढ़ावा, बल्ले बल्ले होवे, वाह वाह होवे। मैनू कसम है पैदा करने वाले रब दी, जुमा पढ़ा रहा, फर्ज अदा कर रहा। मेरी ये कोशिश होंगी है कि मेरे सामने आने वाले लोग, जुमा पढ़ने वाले बंदे, अल्लाह दे पैगंबर दे दीन तो वाकफ हो जान। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपसे मुझे दाद मिले, आपसे मुझे सुभान अल्लाह की छल्ले मिले। नहीं 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 नहीं, मेरा मौकफ ये नहीं है। मेरा मौकफ ये है कि आप यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं, आपका इमाम ताजा हो, आपके इलम में इजाफा हो। और कसम है पैदा करने वाले परवरदिगार की, रात के एक एक दो दो बजे तक उठकर बैठता हूँ, हदीस की किताबों को खोल कर बैठता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि चारपाई पे सोए हुए जाग आ जाती है, याद आता है अल्लाह के नबी की हदीस, फला हदीस पर मैंने कुछ लिखना है, मैंने कुछ तैयार करना है। बिस्तर छाड़ के बह जाइए, अल्लाह के नबी की हदीस की खादमी करी दिए, नौकरी करी दिए, तुहाडे लई करी दिए, तुहाडियां झोलियां नहीं फुल लै करके आई देने। इन्हां फुलां नूं अपने झोलियां में पा के जाओ, अल्लाह का वास्ते मेरे पैगंबर की हदीस के नौकर बनो, मेरे पैगंबर की हदीस के खादम बनो। जुमले जाया ना करया करो, जुमा जाया ना करया करो, जुमे दे में जान वाले अल्फाज नोट करया करो। मैं जिम्मेदार अल्लाह की तौफीक नाल एक एक जुमला सोच के समझ के तौल के अपनी जबान विचों निकालना, और हर जुमला रब दे कुरान की रोशनी के अंदर या मोहम्मद रसूलुल्लाह दे फरमान की रोशनी। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा, तेजी वक्त। मैनू बड़ा दुख हुंदा है जदों कोई कहिंदा जी इन्हां नूं हदीसां सुणाउण दी काहदी लोड़ है, इन्हां नूं की पता सही की हुंदा ते ज़ईफ की हुंदा है। इन्हां नूं सारा पता लगेगा इंशाअल्लाह अज तों बाद। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा, तेजी वक्त। तीसरी बात, हदीस तो बाद में लिखी गई, 300 साल बाद लिखी गई। जो चीज़ 300 साल बाद लिखी गई उसे अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करें, हम उसे कैसे माने? ये तीन की नहीं आख्या भी 300 साल बाद लिखी गई पुराने हदीस अल्लाह के नबी के सामने और अल्लाह के नबी के दौर में लिखी गई। खोल बुखारी शरीफ किताबुल इल्म काड़,
अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा तेजी वकार पहली दलील सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला मेरे नबी की जुबान चो निकल वाली हल गा हर गल लिखिया करते सन ताई ते हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने किताबुल इलम अंदर फरमाते ने मेरे नालों अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस नु ज्यादा दी सा याद ने ओदी वजह वे मैं जबानी याद करता सा ओ लिखिया करते सन अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला मेरे नबी की हर हदीस नोट कर कर दे साथियां आंखें इंज ना करया करो अल्लाह दे नबी कदी के सालत अंदर कदी के सालत दे अंदर रुक गए मेरे नबी ने फरमाया लिखदा क्यों नहीं सोने इंज करके नबी तुहाडे यारां ने आख्या मेरे आका फरमांदे ने लिखिया कर बेफिक्र होके इस जुबान चो जदों भी निकलदा है हक निकलदा है हक तो इलावा कुछ नहीं निकलदा सही बुखारी किताब इलम पढ़िए हदीस दलील नंबर दूसरी नोट कीजिए अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना बड़ा कमजोर है जड़िया गल्लां तुसीं इरशाद फरमांदे हो ना मैनूं याद नहीं रहिंदियां आका फरमांदे ने इस्ताइन बि यमीने का अपने सज्जे हाथ तो मदद लिया कर की माना लिख लिया कर अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा दलील नंबर तीन नोट कीजिए अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा फतह मक्का दा मौका है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा प्यारा खुतबा इरशाद फरमाया एक बंदा यमन विच आया है ओहदा नाम शाए कह लगा सुनिया ये खुतबा मैनू लिख के दे दियो नबी पाक ने खुतबा लिखवा के दे दिता पढ़िए किताबुल बुखारी किताबुल इलम सहीह बुखारी अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा दलील नंबर चार नोट कीजिए सैयद नाजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला को एक किताब की शक्ल अंदर एक तहरीर मौजूद सी आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते ने मैं अल्लाह के नबी को अहकामात ले जकात के मसायल भी ने अंदर जनाब कुछ किसास के मसायल भी ने और अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह कुछ जनाब ए अंदर जनाब अल्लाह हुदूद हरम के भी मसायल मौजूद ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की गल खोलिए सही बुखारी किताबुल इलम अल्लाह अल्लाह दलील नंबर पांच नोट कीजिए अल्लाह अल्लाह सराका बिन मालिक आए मेरे पैगंबर हिजरत के सफर से ने अल्लाह अल्लाह सौ ऊठा के लालच में नबी पाक का पीछा किया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सराका केड़िया ऊठा मगर भजया फिरना है एक वक्त आएगा अल्लाह पाक तेनू किसरा दे कंगन पहना देवेगा उन्हें आख्या सोनिया मान लिख दियो ना मेरे पैगंबर ने लिख दिती हजरत आमर बिन फहरा को लिखवाई सही बुखारी किताब इलम पढ़िए भी साल गुजर गए ने भी साल तो बाद मक्का फतह हुंदा वहीं साल तो बाद ईरान फतह हुंदा पिया है किसरा दे कंगन आए ने हजरत सराका बिन मालिक के हाथों में पाए गया ने किस बुनियाद से उस तहरीर के बुनियाद से जड़ी तहरीर 20 साल पहला मेरे पैगंबर की मौजूदगी अंदर लिखवाई गई कौन कहता हदीस बाद अंदर लिखी गई कौन कहता हदीस बाद अंदर नोट की गई ना 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 कायनात के लोगो हदीस मेरे नबी के दौरे पाक अंदर लिखी गई हदीस अल्लाह के अंदर दे दौर अंदर आप दी मौजूदगी दे अंदर आप दी निगरानी दे अंदर हदीसां नोट कीतियां गईयां मेरे कोल बेशुमार दलाइल ने सही बुखारी कढो किताबुल इलम खोल लो हजरत इमाम बुखारी ने किताबुल इलम दे अंदर बकायदा पूरा सारा बयान फरमा दिता है सारियां गल्लां बयान कर दित्तियां ने मुनकरे हदीस दी बोलती बंद कर दित्ती गई मुनकरी ने हदीस दे नात के बंद करके रख दिते ने अल्लाह दा वास्ता है निकलो फेसबुक विचों बुखारी पढ़ो अल्लाह दा वास्ता है निकलो व्हाट्सएप विचों बुखारी पढ़ो अल्लाह दा वास्ता है निकलो इन्हां चीज़ां दे विचों बुखारी पढ़ो अल्लाह 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 खुद पढ़ के वेख बुखारी तेरी टेंशन मुक जाए सारी ओ खुद पढ़ के वेख बुखारी तेरी टेंशन मुक जाए सारी मुस्लिम दा कर मुताला तकलीद दा टुट जाए ताला मुस्लिम दा कर मुताला तकलीद दा टुट जाए ताला अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अबू दाऊद हक समझावे अखां तो पट्टियां लावे अबू दाऊद हक समझावे
अखां तो पट्टियां लावे तिरमजी दियां पाड़ खदीसा कर ज़हन दियां तकदीसा अल्लाह तू पढ़ लै सुनन निसाई गल छुपी न रह जाए काई जदों पढ़ेगा मुसनद अहमद होवे अल्लाह पाक दी रहमत अल्लाहु अकबर दा मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान ते इक जुमला निकलना महफूज है इक इक कदम महफूज है इक इक तरीका महफूज है इक इक अंदाज मेरे पैगंबर दी महफूज है रब्बे कायनात ने गल छड़ी कोई नहीं रब्बे कायनात ने जुमला छड़िया कोई नहीं रब्बे कायनात ने को गल छड़ी कोई नहीं अल्लाहु अकबर दा लिहाजा अपने दिल विच ए ख्याल कर देवो जेड़ा ए गलत फहमी है ना 300 साल बाद वाली वो भी मैं तुम दस देवा 300 साल के बाद यानी 3 सदियों के बाद हदीस लिखी नहीं गई बल्कि हदीस जमा की गई। इमामों ने सफर किए लंबे लंबे सफर किए दूर दराब दे सफर किए जिंदगियां तक सरफ कर दितियां। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा ख्वाब की ताबीर आपके उस्ताद मोहतरम ने की बेटा आपके ख्वाब की ताबीर यह है कि आप अल्लाह के पैगंबर की हदीस को जमा करोगे हदीस का एक जखीरा जमा करोगे। हजरत इमाम बुखारी ने उस ख्वाब की ताबीर में अपनी जिंदगी को लगा दिया गन्ना कर दियो और जिन्ना इमामा ने जिंदगियां खपा दितियां। अल्लाह की कसम कई कई महीनों के सफर किए हजरत इमाम बुखारी फरमाते ने एक बुखारी शरीफ लिखण वास्ते मैं 16 साल सफर करता रहा 16 साल तक मैंने सफर किया मुझे पता चला कि हदीस का रावी फलां शहर में है तो मैं वहां चला जाता वहां से पता चलता इसका अगला रावी फलां जगह पे है मैं फलां जगह पे चला जाता और शहर फिरे और पिंड फिरे और गलियां फिरियां और बंदे फिरे बंदियां नु लभिया बंदियां दी जिंदगी ते वार कीता 16 साल मेहनत की थी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर मेरी मजलिस में कोई मदरसे का तालिब इल्म बैठा हो या लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए मेरी गुफ्तगू दुनिया के किसी पढ़ने वाले के पास पहुंच जाए मैं कहूंगा मदारस के तालिब इल्मों से और जिंदगी का कोई मकसद बनाओ जिंदगी का कोई मकसद बनाओ मदरसे पढ़न जाते हो को मकसद बनाओ मकसद साडा की है बाल मदरसे ना जाता हो मां ते प्यो कहते पुत्र और वेखे ही बिनियामीन कि वी गड्डी दे फिर और वेखे ही पसरूरी को वी गड्डी पुत्र पढ़ लै थब्बे पैसों के थब्बे असी गल ही पैसों से शुरू करने असी आपके बालों दसने ही हाँ पुत्र पैसे बड़े लभ दे पुत्र वो वेखा किमें सूट पाए होंगे किमें उन्होंने कपड़े पाए होंगे नहीं 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 जिन्ना आख्या करो बेटा पढ़ वे खदरत इमाम पर के इमाम इब्ने माजा बन के दिखा ओए अल्लाह दे बंदियो अपने बच्चों नु ए तरीम दिया करो रब्बे काबा दी कसम है हमने भी पढ़ा था हमने इस नजरिए से नहीं पढ़ा था अल्लाह वाहद शाहद जानता इस बात को गवाह है मेरा मौला करीम इस बात का हमने सजदे में गिर कर कर यही दुआ की या अल्लाह अपने दीन का काम ले ले हदीस का हमसे काम ले ले अल्लाह हम तेरे दीन की खिदमत करना चाहते हैं और तू खिदमत कर हदीस दी और तू कुरान दी हदीस दी खिदमत करया कर दुनिया तेरी खिदमत करया करे पर नजरिया ना रखिया करो आपके बाला जो मदरसे ना जान तेंज ना आख्या करो अल्लाह का वास्ता है अल्लाह का वास्ता है सानू कैश ना कराया करो अल्लाह का वास्ता है लोगों के जहनों में एक गल ना पाया करो पता नहीं कौम किहड़े पासे जा रही बड़ी माजरत के साथ मेरे बड़ी दिन की गल दिल में अज मैं काट ही देना ये महफिल किरात होती है मिस्री कारी आते हैं किसी कारी के मुंह पे दाढ़ी नहीं होती किसी एक कारी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती वो सामने बैठे ये बच्चे कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं वो वेखदे ने एडा वड्डा कारी मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं लगता दाढ़ी की कदर ही कोई नहीं क्या हमारे पास दाढ़ियों वाले कारी नहीं है पढ़ो फड़ो कारी नहीं आ गया मौलाना अब्दुल सलाम अजीजी हाफिज़हुल्लाह तआला अब्दुल वदूद आसिम हाफिज़हुल्लाह तआला और ऐसे तरीके ना नुमान जाफर हाफिज़हुल्लाह तआला अदनान शफीक रात हाफिज़हुल्लाह तआला दाढ़ियां सोहनिया चेहरिया ते उन्हां नूं सद्दो हां जेड़े ते दाढ़ी कोई नहीं मुझे नहीं पता आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी बात कहां तक जाएगी लेकिन हक बात कहने का आदी हूं गर्दन कट दी ते कट जाए गल सच्ची करनी
दसो ना भी जो बच्चा ने इन्हों वेखना तिलावत करद तो उन्होंने तो यही कहना भी दौड़ी की कड़ी कदर है। मैं कदर करता हूँ अपने मुल्क में आए हुए तमाम मस्जिदों की, लेकिन दाढ़ी अल्लाह के पैगंबर का हुक्म है, फर्ज है, सुन्नत है। जे कुरान पढ़ने वाले नहीं रखनिया तो दूसरिया कितों रखनिया। जिस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज किया 40 बच्चा फारग होन दिया हाफजे कुरान से, उत्थे इंटरनेशनल महफिल उसने किरात होवे, और जेडे कारियान उन्होंने चेहरे ते दाढ़ी ना होवे, जेडे 40 बच्चे हाफजे कुरान बन के जा रहे उन्होंने ज़हन च की गल आ रही भी हिफ्ज कर लो चंगी तिलावत करो, दाढ़ी रखने की कोई लोड़ नहीं। पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। अल्लाह 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 तवज्जो, गुस्सा तो नहीं आया? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दारा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना गौर कर दे जाना दरा। पढ़ो अपने मुहद्दिसीन नू, पढ़ो इमाम कराम नू, अल्लाह दी कसम जिंदगियां खपा दित्तियां। हज़रत इमाम बुखारी फरमांदे ने मेरे 16 साल लगे ने बुखारी शरीफ लिखण ते, ते फिर मैं हदीस दी किताब जनाब एक एक रावी कोल जाना, उहदा पता लैणा, उहदी जिंदगी दा पता लैणा। जदों पता लग जाना ते फिर मैं जनाब हदीस लिखण तो पहला गुसल करना, गुसल करके मैं दो रकत नफल पढ़ने, दो नफल पढ़ के ते फिर मैं इस्तखारा करना। अल्लाह सुनिया ए हदीस मैं लिखण लगा वा, सही है ते मैनू लिखण दी तौफीक ता फरमा दे। इंज करके हज़रत इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी है। शक ना करया कर, मैनू समझ नहीं आती लैला मजनू ते कदी किसी ने शक नहीं किया, हीर ते रांझे ते कदी किसी ने शक नहीं किया, सस्सी ते पुन्नू ते कदी किसी ने शक नहीं किया। ये समझ नहीं आती ये कड़ी किताब विच ने, इन्हां दी सन की गए, इन्हां दे प्यो दा नाम की गए, इन्हां दे वादे घाटे दा नाम की गए। ना को सनद है, ना को किताब है, ना को सिलसिला है, लेकिन हर बच्चा बच्चा सस्सी पुन्नू करदा फिरदा है, हर बच्चा लैला मजनू करदा फिरदा है, हर हीर रांझे दी गल करदा फिरदा है। जदों इतराज आउंदा है मेरे नबी दी हदीस ते आउंदा है, जदों का जबान खुलदी है बुखारी ते खुलदी है, जदों जबान खुलदी है सही मुस्लिम ते खुलदी है। तुहानू ओ तुहाडे लाना मजरू तुहाडे मामे चाचे ने की लगदी सस्सी खाना लगदी हो, कभी ओहदे ते इतराज नहीं। कभी आज तक किसी ने नहीं कहा सस्सी की कहानी तो मन गलत है। जदों रौला पैंदा हदीस मन घड़त है, बुखारी उत्ते इतराज, मुस्लिम ते इतराज, रफल यदैन की हदीस पे इतराज, आमीन बिल जार पे इतराज, और हदीस सारी की सारी हदीस पे इतराज। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदराब तेजी वकार। लो जी कोई हदीसा सही ने, कुछ ज़ईफ ने, हुण सीधा साधा बंदा उन्हें किवें पता लगे सही केड़ी है ज़ईफ केड़ी है। तो उदों चंगा ने भी चुप करके कुरान ते अमल करो, हदीस ज़ईफ दा रौला ही मुक जाए। भाई जान रौला मुक गया है, शेख अलबानी ने यह रौला मुका दिता, उन्होंने सही अलग कर दितियां, ज़ईफ अलग कर दितियां। सही तिरमजी अलग है, ज़ईफ तिरमजी अलग है, सिलसिला हदीस सही अलग है, ज़ईफा अलग है, रौड़ा तेरे आ ही कोई नहीं। सही मुस्लिम की सारी हदीसें सही हैं, सही मुस्लिम की सारी हदीस सही हैं। अल्लाह अल्लाह ते कुरान भी तो बनाया ही ना लोगों ने, काफरां कुरान के मुकाबले कुरान नहीं तैयार किया, किते ने सूरतें तैयार की हैं उन्होंने। अल्लाह पाक ने जैसे इस कुरान की हिफाजत की है, इसके लिए अल्लाह पाक ने बंदे पैदा किए, हदीस की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ने बंदे पैदा किए हैं। जिन्ना हदीसा हिफाजत की है 5 लाख बंदियां दी जिंदगी है। अंग्रेज हैरान है गल सुन के, असमाउर रिजाल दा इलम वेख के अंग्रेज हैरान है, यार मुसलमान कैसे लोग सन, हदीस नाल मिलते हर बंदे दी जिंदगी। 5 लाख बंदा, 5 लाख बंदा जिन्ना दी असमाउर रिजाल दियां किताबां भरियां पईयां, पुछो मशायख कोलो, जाओ जाके पता करो, आपका फैसलाबाद मशायख से भरा हुआ है। मैं तमाम की इज्जत करता हूँ, जाओ पूछो उनसे असमाउर रिजाल क्या है। 5 लाख बंदों की जिंदगी, ये इसका रवैया कैसा था, इसका तरीका कैसा था, इसका लोगों के साथ मिलना बरतना कैसा था, इसका अखलाक कैसा था। 5 लाख बंदियां की जिंदगी, मुहद्दिसीन ने पिंडो पिंड फिर के, शहर शहर फिर के, गलियां ते लाके फिर के 5 लाख बंदियां की जिंदगी इकट्ठी करके असमा और रिजाल जमा किए, ताकि हदीस ज़ईफ ते सही दा रौला ही मुक जाए। थोड़ी जी मेहनत नहीं होंगी डॉक्टर साहब जो लिख दें लाइट विचों आ टीका लैके आ ते तां तेरी माँ ने बचना है, वो इतों ना लभे लाहौरों लभे, लाहौरों ना लभे कराचियों लभे, कराची ना लभे इस्लामाबाद तो लभे, इस्लामाबाद तो ना लभे बाहरों लभे, लैके जाना कि नहीं।
मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं नहीं जी ए लै जाए जगह तक ना आ डॉक्टर साहब ने लिखा है आ ही लैके जाना है क्योंकि जान का मसला है कमलिया जिमें जान बचाने लिए टीके की छानबीन करना इवें मान बचाने लिए उत्थे भी कर लिया थोड़ी मेहनत करनी केड़ा औखा काम हर पूरी पूरे दुनिया चला माँ बैठे ने किसी आलम फोन करो एक मिनट लगता है इतराज करने की कादी लोड़ फोन करो हारे मसले हल और रहा मसला ये कुरान करीम से टकराने वाली कोई अल्लाह की जमीन पर ऐसी हदीस मौजूद नहीं है जड़ी सही हदीस होवे कुरान दी आयत ना टकरावे मैं ए कुरान हाथ च फड़ के कहना इधर वेखो ए कुरान करीम मैं हाथ च फड़ के कहना अल्लाह की जमीन से कोई एक सही हदीस मेरे नबी की जबान च निकलने वाली है ही नहीं जी रब के कुरान ना टकरा दी हो वाखरुदा वाना है।